नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल लर्न्स मैजिक में। हम इस वीडियो के माध्यम से फिंगर अवेकस सीख रहे थे, तो अब हम फिंगर अवेकस में बिग फ्रेंड के फॉर्मूले में आ गए हैं। आज हम बिग फ्रेंड के प्लस नाइन एंड माइनस नाइन को सीखेंगे। तो चलिए, बिग फ्रेंड के फॉर्मूला को हमने लास्ट वीडियो में ही सीखे थे, आज हम उसके एक कॉन्सेप्ट प्लस नाइन एंड माइनस नाइन के कॉन्सेप्ट से सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं प्लस नाइन और माइनस नाइन के फॉर्मूले को, ठीक है। तो प्लस नाइन का क्या फॉर्मूला है? प्लस नाइन के लिए माइनस वन प्लस में टेन करना है, और माइनस नाइन के लिए प्लस वन माइनस में टेन करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस सम को भी सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने स्मॉल फ्रेंड काउंटिंग इन सभी के वीडियोस को नहीं देखे हैं, वो पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ही उन्हें ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अगर आपको इसमें से फिंगर अवेकस अच्छा लगे या समझ में आए, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम इस सम को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इजी वाला लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 33, तो 33 हम कहाँ निकालते हैं? अपने लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में 3 और राइट हैंड में 33 प्लस वन, प्लस वन राइट हैंड में प्लस वन, माइनस टू, माइनस टू किस में करेंगे? राइट हैंड में माइनस टू, प्लस नाइन। अब हमें प्लस नाइन करना है, तो प्लस नाइन करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास फिंगर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? प्लस नाइन के फॉर्मूले में जाएंगे। प्लस नाइन का क्या फॉर्मूला है? माइनस वन प्लस में टेन। तो हम इसको पहले माइनस वन कर लिए एंड प्लस में टेन। अब हमारा आंसर कितना आ गया? 41। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 22। तो लेफ्ट हैंड में 20, राइट हैंड में 2, 22 प्लस 7। अब प्लस 7 कैसे करेंगे? राइट हैंड में 5, 6, 7 प्लस 9। अब प्लस 9 कैसे करेंगे? हमारे पास तो फिंगर एक भी अवेलेबल नहीं है, तो अब उसके फार्मूला में जाएंगे। प्लस 9 का क्या फार्मूला है? प्लस वन माइनस वन प्लस में 10। तो माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 प्लस में 10 प्लस 9, अगेन प्लस 9 करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? उसके फार्मूला लगाएंगे। उसका क्या फार्मूला है? माइनस वन प्लस में टेन। तो और एक फिंगर को माइनस कर लेते हैं, माइनस वन प्लस में टेन। आंसर इज 45, 6, 7 47। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे पहले 54। 54 कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड में 50, राइट हैंड में 4, 54 प्लस 39। अब हमें 39 निकालना है, तो 39 कैसे निकालेंगे? लेफ्ट हैंड में 30, 10, 20, 30 और राइट हैंड में 9। अब 9 निकालना है, तो 9 कैसे निकालेंगे? फिंगर नहीं है, तो इसके फॉर्मूला क्या है प्लस 9 का? माइनस 1 प्लस में 10। तो माइनस वन कर लेते हैं, माइनस वन प्लस में टेन, ठीक है। अब माइनस 79। अब हमें माइनस 79 करना है, तो सबसे पहले हम 70 माइनस कर लेते हैं, 50, 60, 70, ठीक है। अब 9 माइनस करते हैं। माइनस 9 करने के लिए क्या फॉर्मूला है? प्लस वन माइनस में टेन। तो अब हम पहले राइट हैंड में प्लस वन कर लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट में माइनस टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब
प्लस 69। अब 69 करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 60 प्लस कर लेते हैं, 50 60 एंड प्लस 9 कैसे करेंगे, तो उसके लिए माइनस 1 प्लस में 10 फॉर्मूला है ना, देखो माइनस 1 प्लस में 10 तो माइनस 1 कर लेते हैं प्लस में 10, आंसर इज 50 60 70 80, 1 2 3 83। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 83। अब सबसे पहले 83 निकालेंगे, लेफ्ट हैंड में 50 60 70 80, 3 राइट हैंड में 3 माइनस 79। 79 कैसे माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड में 70 50 60 70 और 9। अब 9 माइनस करना है तो 9 कैसे माइनस करेंगे, माइनस 9 के फॉर्मूले में क्या था, प्लस 1 माइनस 10, प्लस 1 कर लेते हैं माइनस में 10 कर लेते हैं, अब है ये, अब प्लस 29। अब 29 प्लस करना है, सबसे पहले 20 प्लस कर लेते हैं प्लस अब 9 प्लस करना है, तो 9 के लिए क्या फॉर्मूला है, बार बार फॉर्मूले को रिपीट करने से वो माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है, इसलिए अब प्लस 9 है क्या फॉर्मूला है, माइनस 1 प्लस में 10 है ना, तो अब माइनस 1 करते हैं, माइनस 1 प्लस में 10, अब प्लस 59। अब प्लस 59 करना है तो 59 के लिए प्लस सबसे पहले क्या करेंगे, 50 तो 50 कर लिए प्लस, अब 9 प्लस करना है, 9 प्लस करने के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस 1 प्लस में 10, आंसर इज 92। तो देखिए ये तो सॉल्व हो गया है, ये प्लस 9 और माइनस 9 के कॉन्सेप्ट था, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लस 8 एंड माइनस 8 के कॉन्सेप्ट को करें, सभी कॉन्सेप्ट को अलग अलग सॉल्व करते हैं तो वो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा, एक ही सम में अगर हम माइनस 8 भी कर दिए 9 भी कर दिए 7 6 सबको मिला देंगे तो उससे समझ में नहीं आएगा, जब हम इसे थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद हम कॉम्बिनेशन वाला लाएंगे, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।